जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज नहीं कि नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश। अमेठी सीट को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। ना तो कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है और ना ही बीजेपी ने। राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इस पर अब भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन अमेठी सांसद स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अपने निशाने पर लेने से चूक नहीं रही है। एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। साथ ही स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि जो राम का विरोध कर रहे थे वो आज शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। समाज के लिए मेरा एक आग्रह है, हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर दो दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है लोग रंग बदलते हैं, हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखते हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना, अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए की, जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। आपको बता दें वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग समाप्त होने के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इसको लेकर कोई बातें सामने नहीं आई है। अमेठी में 20 मई को वोटिंग होनी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।